डियर स्टूडेंट्स आई एम शेखुल्लाह लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडियर आई एम लेक्चरर जूलॉजी टुडे आई हैव सिलेक्टेड माय टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 10 सब्जेक्ट जूलॉजी आई हैव सिलेक्टेड थ्री टॉपिक्स फर्स्ट टॉपिक इज लिवर एन इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन सेकंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन थर्ड टॉपिक इज हार्मोन्स अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ किडनी इन तीनों टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि भाई लिवर क्या है लिवर जो है होम्योस्टेटिक ऑर्गन कैसे है उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन जो है वो उसके कौन से टाइप्स होते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन्स हार्मोन जो हार्मोन्स किडनी के काम को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट टॉपिक आई एम इंट्रोड्यूसिंग हियर अबाउट द आई वांट टू गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट द लिवर लिवर इज अ ऑर्गन इट इज जस्ट बिलो द डायाफ्रेम इन ह्यूमन बॉडी इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्रेम and it is a reddish brown in color it is a metabolic factory or it is a metabolic center baba asan jeko hai liver ke metabolic center sadina metabolic center ne je kare sadina ta ghane ka gana functions liver ne thinda liver performs thousands of functions and liver is the functions which I am going to describe here first function of liver is metabolism of carbohydrate and lipids deamination and urea formation production of bile detoxification formation of cholesterol thermoregulation storage ye to thode functions hain liver ke liver jo hai wo bahut sare functions perform karta hai First of all, I am going to describe here metabolism of carbohydrate and lipid. How liver metabolizes carbohydrates and lipids. Liver क्या करता है पहले जो glucose, if glucose increase in our body, glucose को metabolize करता है glucose को convert करता है glycogen कौन कन्वर्ट करता है हमारे पास एक हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं इंसुलिन इंसुलिन इज अ हार्मोन इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पेंक्रियास इसका मतलब कि इंसुलिन का जो काम है वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इसका मतलब है कि ग्लूकोज की जो जो हमारे पास अमाउंट है वो कितनी है नॉर्मल 90 मिलीग्राम टू 120 मिलीग्राम होती है अगर इससे ज्यादा हो गया ग्लूकोज तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस क्या कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं इसका मतलब है कि जब ज्यादा हो जाएगा ग्लूकोज तो इंसुलिन इसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में यह फंक्शन कहां पे होगा इसकी साइट कौन सी है लिवर है मींस विदाउट लिवर ग्लूकोज कैन नॉट बी मेटाबोलाइज द लेवल ऑफ द ग्लूकोज विल इंक्रीज इफ देयर इज नो इंसुलिन there is shortage or deficiency of insulin diabetes will occur bande jo hain wo diabetic ho jate hain insulin na hogi tab uske baad hamare paas jo hai if we do not use proper glucose or proper diet in which there is no glucose agar hum aisa jo hai food istemal kar rahe hain jisme glucose kam ho तो क्या होगा कि ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन
वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, ग्लूकोज में। इसके लिए भी एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, ग्लूकेगोन हार्मोन। देयर इज अ ग्लूकेगोन हार्मोन विच कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन स्टोरेज फूड मटेरियल ऑफ द एनिमल और स्टोरेज फूड मटेरियल ऑफ द मैन इनटू ग्लूकोज। इसको कौन कन्वर्ट करता है, इसको ग्लूकेगोन हार्मोन कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस से इसको हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस और इस प्रोसेस को मैंने, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस ये सारे प्रोसेसेस मींस ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस, ग्लूकोजेनेसिस का प्रोसेस, ये जो प्रोसेसेस होंगे वो लिवर में होंगे। तो बॉडी में क्या है कि ग्लूकोज की जो ब्लड में ग्लूकोज की जो अमाउंट है इतनी होनी चाहिए, ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगी या इससे कम हो जाएगी तो बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, जो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है दूसरा जो हमारे पास है फंक्शन ऑफ लिवर, वो है डीअमाइनेशन। क्या है, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई हैव ड्रॉन अ साइकिल, I have drawn the reactions of urea. This is the formula of the urea. What is deamination? How urea is formed? Urea is formed in the liver. ये liver में बनता है. Urea is formed in the liver. How it is formed? It is formed when we eat proteins. Proteins, they are made up of amino acids. Amino acids में क्या होता है, ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है। इसमें जो है कार्बन, यहाँ से जो है NH3, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ जो है R, इससे जो है हाइड्रोजन और अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा। अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डीअमाइनेशन। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ डीअमाइनेशन इज रिमूवल ऑफ NH2 आर अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन से क्या होता है, अमोनिया बनती है। अमोनिया बनेगी। अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो ऑर्निथाइन से वो रिएक्शन करेंगे। ऑर्निथाइन से फिर सिट्यूलाइन बनेगा, सिट्यूलाइन से फिर अर्जिनाइन बनेगा, अर्जिनाइन से फिर यूरिया बनेगा और ऑर्निथाइन बनेगा। इस तरह ये जो है साइकिल चलती रहेगी और इस साइकिल को हम कहेंगे यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। ये रिएक्शंस है जिससे यूरिया बनता है। इसका मतलब कि लिवर इज अ साइट वेयर यूरिया इज फॉर्म। लिवर एडी जगह है जिथे यूरिया ठंडो। यूरिया किए तो ठहे, यूरिया साइकिल के जरिए तो ठहे, छाले जरिए ठहे तो यूरिया साइकिल जी। एंड केड़ा प्रोसेस थेंदा डीअमाइनेशन दो थे उन प्रोसेस जे तहत ठहे तो उने का पोसा वटा है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल इज अ जूस। It is yellowish in color. It is stored in a bag. एक बैग होता है लिवर में, एक
ब्लेडर होता है उसको हम कहते हैं बाइल ब्लेडर और गाल ब्लेडर। उसमें जो है वो बाइल सीक्रेट होती है, बाइल जो है स्टोर होती है उसमें लिवर। बाइल में कौन कौन सी चीजें होती हैं? बाइल में एक तो बाइल एक जूस का नाम है। बाइल में एक तो दो पिगमेंट्स होते हैं, एक ब्लू रिबन होता है और एक ब्लू विल्डन होता है। दूसरा जो बाइल में है वो साल्ट होते हैं। कौन से साल्ट होते हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, वो सोडियम टारोकोलेट होते हैं। उसके बाद बाइल में म्यूकस होता है, उसके बाद बाइल में कोलेस्ट्रोल होता है, कोलेस्ट्रोल भी बाइल में होता है। तो ये जो है बाइल का काम क्या होता है, व्हाई बाइल इज स्टोर्ड? बाइल का ये काम होता है कि बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन में मदद करती है। इसका मतलब कि लिवर जो है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लिवर हेल्प्स इन डाइजेशन। उसके बाद लिवर आल्सो हेल्प्स इन डीटॉक्सिफिकेशन। द वर्ड डी मींस रिमूव, डी मींस रिमूव, टॉक्सिक मींस टॉक्सिक मटेरियल। इसका मतलब कि लिवर जो है वो टॉक्सिक मटेरियल, लिवर डीटॉक्सिफाइज the toxic materials because it has catalase enzymes। liver में catalase enzymes पाए जाते हैं, इसीलिए liver जो है वो detoxification में help करता है। उसके बाद liver जो है cholesterol formation में help करता है, liver जो है thermoregulation में help करता है, liver helps in the body temperature of living organism, body temperature of human body, because it receives large amount of blood and it helps in thermoregulation, maintenance of temperature. उसके बाद liver जो है it stores many vitamins, काफी सारी vitamins ये store करता है, vitamin D, vitamin A, vitamin K, vitamin vitamin E, these all are also stored in this organ. This organ is very important organ, and this organ I am repeating here, this organ is called metabolic factory. It is a factory of protein formation, it is a factory of cholesterol formation, it is a factory of bile formation, and it is factory of many, it is site of many reactions. काफी जो metabolic reactions होते हैं यहाँ पर perform होते हैं, यहाँ पर ये जो liver है वो perform करता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा topic है, उसका नाम है types of neuron। number 2, second topic is types of nephron, not neuron but nephron. Nephron is the basic unit of kidney, it is filtering unit of kidney. There are two types of nephron. Number one is juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron, and second is cortical nephron. Those nephrons, they have a larger loop of anal. Their loop of anal is inserted in the medullary region of the kidney. Here I am drawing here two regions of kidney. Region number one of kidney. Region number 1 of the kidney and region number 2 of the kidney. This is cortex, and you can say this is medulla. Medulla is the outer region and cortex is the outer region, medulla is inner region. ऐसा नेफ्रॉन जो कार्टेक्स में पाया जा
सकता है ऐसा नेफ्रॉन जो कार्टेक्स में मौजूद हो उसको हम कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन। इसका मतलब है कि ये जो नेफ्रॉन होगा यहाँ पर होगा। दिस नेफ्रॉन इज प्रेजेंट ओनली इन द कार्टेक्स रीजन। इन द कॉर्टेक्स रीजन दिस नेफ्रॉन इज प्रेजेंट ओनली इन द कॉर्टेक्स रीजन एंड इट हैज अ सिमिलर लूप ऑफ हेनर। ऐसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनर जो है वो मेड्यूला में मौजूद हो, ये कॉर्टेक्स This is known as, this nephron is called the juxtamedullary nephron and this is a loop of Henle, loop of Henle, it is present in the medulla region of the kidney. Why it has a larger loop of Henle? For conservation of water. ऐसे जानवर ऐसे एनिमल्स जिन जो 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 के रेगिस्तान में रहते हैं, जो के डेजर्टेड एरियाज में रहते हैं, उनको जो है पानी वहां पर कम होता है, वो पानी को कंजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं, उनके पास एक एडाप्टेशन होती है, उनमें जो है एक उनमें जो नेफ्रॉन होते हैं वो लार्जर नेफ्रॉन होते हैं और उनके नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनल होता है वो लार्जर होता है और उनके पास जो है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होता है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो है वो बर्ड्स में होता है और मेमल्स में। और कार्टिकल नेफ्रॉन जो होता है इट इज फाउंड इन फिशेज एंड एम्फीबियंस। उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड टॉपिक है, उसका नाम है हार्मोन्स अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ द किडनी। विच हार्मोन्स दे अफेक्ट द वर्क ऑफ द किडनी। थर्ड टॉपिक इज थर्ड टॉपिक हार्मोन्स। नाउ व्हाट आर द हार्मोन्स, हार्मोन्स अफेक्टिंग the activity or working of activity of kidney, which hormones they affect the activity of hormones. Now hormone, the word hormone is taken from the Greek word harmonos, which means to instigate. These are the chemicals, they are made up of proteins, they are the secretions of endocrine glands. They are secreted from the endocrine or ductless glands. किडनी पे कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो अफेक्टेड करते हैं। नंबर वन जो हार्मोन होता है उसका नाम है ADH। नंबर सेकंड हार्मोन जो होता है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। नंबर थ्री जो हार्मोन होता है उसका नाम है पैराथायरॉइड और पैराथायरॉइड हार्मोन। नाउ ADH हार्मोन, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड इट इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। This hormone is released when there is a dehydration in the body and this hormone helps in the reabsorption of water. इसका क्या काम होता है? Helps in reabsorption of water. Reabsorption of water. मतलब कि ये जो हार्मोन है dehydration condition में release होगा और इसका क्या काम होता है, ये हार्मोन जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा।
अगर बॉडी में जो वाटर है वो कम हो जाता है तो ये हार्मोन रिलीज होगा और ये हेल्प करेगा किस चीज में, ये हेल्प करेगा पानी की रीअब्सॉर्प्शन में, यानी पानी जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और जो है इसको, इसका दूसरा नाम जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इट इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन, इसको हम कहते हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। देन वी हैव अल्टोस्टेरोन हार्मोन, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम और रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स एक रीजन है, किसका, एड्रेनल ग्लैंड का, एड्रेनल ग्लैंड का आउटर रीजन जो है उसको हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, इससे ये हार्मोन रिलीज होता है। दिस हार्मोन हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, दिस हार्मोन हेल्प्स एंड हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ व्हाट, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। देन वी हैव पैराथार्मोन, पैराथार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन और पीटीएच हार्मोन, इट इज रिलीज्ड और इट इज सीक्रेटेड, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड। ये कहां से रिलीज होता है, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। द जॉब ऑफ द पीटीएच आर पैराथायराइड हार्मोन इज इट हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, व्हेन देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड देन दिस हार्मोन इज रिलीज्ड, इट हेल्प्स इन डीमिनरलाइजेशन आल्सो।